नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोज सिरसा हरियाणा से। दोस्तों आज फिर आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद करते हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी। आज हमारे पास एक टी सीरीज कंपनी का 32 इंच का LED TV आया हुआ है जो कि नो पिक्चर प्रॉब्लम में है। आज हम चेक करेंगे स्टेप बाई स्टेप किस तरीके से इस तरीके के फॉल्ट को आप रिपेयर कर सकते हैं, इस तरीके के फॉल्ट को किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप सभी लोगों के साथ साझा करते रहें। तो चलते हैं वीडियो पे। हमारे पास आज टी सीरीज का 32 इंच का LED TV आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर TSA8079BIS, ये इसका मॉडल नंबर है। इसको हमने ओपन किया है और ये इसका मेन बोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कॉम्बो इसके अंदर मेन बोर्ड लगा हुआ है और मेन बोर्ड का नंबर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। नो पिक्चर प्रॉब्लम में आया है। यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया है तो यहाँ पे देखिए बैकलाइट इसका जो है वो ऑन हो चुका है। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, इसको बैकलाइट इसका ऑन है लेकिन नो पिक्चर में ये सेट है हमारा। और यहाँ पे इसके अंदर जो कॉमन पैनल आता है सिंगल कोफ सैमसंग का पैनल, यहाँ पे सिंगल कोफ पैनल है जिसका नंबर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये इसका नंबर है। अभी हमने इसको ओपन किया है, स्टेप बाई स्टेप देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से आपके पास प्रॉब्लम आता है तो कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले इसका पैनल का हमको बूस्ट वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि बूस्ट वोल्टेज अगर नहीं बनेगा इट मीन्स तो हमारा पैनल 100% ख़राब है। अगर बूस्ट वोल्टेज बनता हुआ तो हम कोई दूसरा बोर्ड लगा के चेक कर सकते हैं, जैसे कि कोई अपना टेस्टिंग बोर्ड या यूनिवर्सल बोर्ड कोई भी लगा के आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी सप्लाइयाँ। यहाँ पे सबसे पहले इसका VCC है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 12 वोल्ट। इसमें सबसे एक खास चीज़ ये है कि इस पैनल के ऊपर सारे वोल्टेज जो है मेंशन किए रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, यहाँ पे 1.8 वोल्ट है, यहाँ पे AVDD 15 वोल्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं AVDD जो है यहाँ पे नहीं बन रहा है। साथ में यहाँ पे VON लिखा हुआ है तो VON भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे बूस्ट सप्लाई जो है AVDD VON और यहाँ पे इस साइड में VOFF है, यहाँ पे VOFF भी यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो इसकी बूस्ट सप्लाई जो है, जो AVDD VGH VGL या हम VON VOFF बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं बन रही है। इट मीन्स कि हमारा पैनल जो है हमें समझ आ चुका है कि ये ख़राब है। और सबसे पहले हमने क्या करना होता है किसी भी पैनल को जब चेक करना है, तो अभी बिल्कुल लाइव आप लोगों के सामने यहाँ पे हम इस पैनल को चेक कर रहे हैं ताकि जो भी हमारे नए टेक्नीशियन भाई हैं, जो भी इस तरीके के फॉल्ट में प्रॉब्लम में आते हैं, तो किस तरीके से वो चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस रेंज में अपने मीटर को रखते हैं और यहाँ पे शॉर्टिंग हमको चेक करना होता है, जैसे कि AVDD पे। यहाँ पे देखिए AVDD पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इसके बाद हम VON पे देखा है तो यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसी तरीके से VOFF पे भी शॉर्टिंग चेक कर रहे हैं तो कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है। साथ में हम 1.8 3.3 दोनों पे भी शॉर्टिंग चेक करेंगे ग्राउंड से, तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ज़्यादातर इस पैनल में अगर कहीं शॉर्टिंग स्केलर में मिलती है तो आपको यहाँ पे VON में शॉर्टिंग मिलती है, तो यहाँ पे VON में शॉर्टिंग नहीं है। इट मीन्स कि कोई भी यहाँ पे कोई PCB के अंदर शॉर्टिंग हमें दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा हमारा काम होता है इस पैनल में जो कॉमन प्रॉब्लम आता है, इसका CKV लाइन जो है ये शॉर्ट हो जाता है। CKV लाइन मैंने बहुत से वीडियोज़ बनाए हैं आप लोगों के लिए, किस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसमें क्लियरली यहाँ से पता चलता है कि 4 इसके अंदर CKV के ट्रैक हैं, वो हमको उनकी भी शॉर्टिंग आप चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। ये एक सिंगल पैनल है सिंगल कोफ का सैमसंग का, जिसमें आप शॉर्टिंग बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। हमको मीटर को रेंज में रखना है और CKV1 और CKVB1 और CKV2 और CKVB2 में शॉर्टिंग जो है वो चेक करना है। आपको ऊपर मैं दिखाने की भी पूरी कोशिश करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो ट्रैक है
बीच में देखिए दो यहाँ पे यू के ट्रैक हैं, यू टाइप मतलब दो दो के ट्रैक हैं, और इनके साथ वाला फर्स्ट, ये यू वाला दूसरा और यू वाला तीसरा, और साथ में ये चार ट्रैक जो हैं ये सीकेवी के ट्रैक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देख सकते हैं एक सिंगल ट्रैक के साथ जो जोड़े वाले ट्रैक हैं जिनको यू ट्रैक हम बोल सकते हैं, उनके साथ वाले ये चारों ट्रैक जो हैं ये CKV1 CKV1 पहला तीसरा और दूसरा और चौथे के अंदर शॉटिंग चेक करनी है। इसी तरीके से इसमें भी इस तरीके से आप शॉटिंग चेक कर दें। आप कटिंग जब करते हैं तो आप सारे भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ दो ट्रैक कट करके देखेंगे अब, या चार ट्रैक कट करके आप देख सकते हैं जिनमें भी शॉटिंग आपको मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनकी शॉटिंग जो है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे CKV1 और CKVB1 में हम शॉटिंग चेक कर रहे हैं तो 9 मेगा की यहाँ पे शॉटिंग दिखा रहा है। CKV2 और CKVB2 यहाँ पे देखिए दोस्तों 470 ओम का शॉटिंग है जो कि अब नॉर्मल है, इतना शॉटिंग नहीं होना चाहिए CKV लाइन में, K में भी नहीं होना चाहिए। 60 मेगा से लगभग ऊपर का शॉटिंग हमें दिखाता है ज़्यादातर मीटर। और इसी तरीके से यहाँ पे भी हम शॉटिंग चेक करेंगे तो सेम जो यहाँ पे शॉटिंग दिखाएगा वही यहाँ CKV1 और CKVB1 में हम शॉटिंग चेक कर रहे हैं। इसी तरीके से CKV2 और CKVB2 में यहाँ पे देखिए 470 ओम का यहाँ पे भी शॉटिंग है, क्योंकि दोनों CKV लाइन आपस में मिली होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर और इधर दोनों में शॉटिंग आपको दिखाई देगा। तो हमको क्या करना है, CKV2 और CKVB2 यहाँ से कट करके देखना है। अगर इधर से नहीं होता है तो आप इधर से ट्राई कर सकते हैं, वन बाय वन आपको ट्राई करना है। कोई एग्जैक्ट आप ये नहीं कह सकते कि इधर से कट करने से हो जाएगा या इधर से कट करने को हो जाएगा। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि सर हम किस साइड से कट करें, तो अंदाजे से ही आप ज़्यादातर कट कर सकते हैं। यहाँ से मैं समझता हूँ कि इस साइड से सबसे पहले आप ट्राई करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इस साइड से शॉटिंग जो है ज़्यादा मैंने देखी है पैनलों में जो मेरे पास आते हैं। तो यहाँ पे हम CKV2 और CKVB2 दो ट्रैक कट करेंगे। अगर उसके ओपन होने के बाद हमें शॉटिंग निकल जाता है तो हम इन दोनों को कट करके हम TV को ऑन करेंगे। अगर नहीं निकलता है तो आप इनको जोड़ के इस साइड से कट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास बिल्कुल न्यू ब्लेड होना चाहिए, बिल्कुल बारीक आयरन होना चाहिए, और आपकी जो कटिंग और शोल्डर करने की जो आपका प्रैक्टिकल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको इन ट्रैक्स को साफ़ कर लेना है, इनको घिस लेना है, इसके ऊपर का जो कलर है इसको उतार लेना है, और उसके बाद हमको इनको कट करना है। यहाँ पे दोस्तों हमने क्लियरली इनको यहाँ पे इस साइड से भी साफ़ कर लिया है और इस साइड से भी हम लोगों ने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब हम ट्रैक कट करेंगे वो है यहाँ पे CKV2 और CKVB2 दूसरा और चौथा ट्रैक जो है हमको कट करना है। यहाँ पे दो ट्रैक हमने कट किए हैं, लेकिन इनको कट करने के बाद हमको यहाँ पे शॉटिंग चेक कर लेना है इस साइड पे। इधर से कट करने के बाद अगर इधर से शॉटिंग निकल जाता तो इट मीन्स हमारा जो ट्रैक था वो सही से कटा है, वो सही साइड से कटा है। यहाँ पे देखिए अभी भी शॉटिंग जो है 465 ओम आ रही है, इट मीन्स कि ये पैनल इधर से कटिंग हमको करना चाहिए। इधर वाला जो हमने कट किया है दो ट्रैक, इनको हमको फिर से जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि एक साइड से तो आपका ट्रैक जो जुड़ा ही होना चाहिए तभी आपका पैनल जो है वर्क करेगा। तो बिल्कुल बारीक हमने इसको कट किया है, अब हम इनको जोड़ देंगे बिल्कुल आयरन लगा के हल्का सा, और इधर के ट्रैक जो है उनको फिर से कट करेंगे। ये वीडियो इसलिए लाइव बना रहा हूँ ताकि कई लोगों के कन्फ्यूजन रहता है कि सर आप फर्स्ट टाइम में ही सही साइड से कट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हम लोगों को भी एक साइड से कट करके देखना पड़ता है, फिर दूसरी साइड ट्राई करना पड़ता है। तो इसलिए हमने इधर से कट किया, अभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो हमको इधर से कट करना है और इधर वाली साइड को हमको जोड़ देना है, जो कि अभी मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों हमने ये वाले जो ट्रैक दो कट किए थे वो हमने यहाँ पर जोड़ दिए हैं, और इस साइड के जो दो ट्रैक है वो हमने कट कर दिए हैं। अब हम शॉटिंग भी चेक कर सकते हैं और साथ में वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हम शॉटिंग। अब हमने इस साइड से कट किया है तो इधर से शॉटिंग हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 1 मेगा से ऊपर की जो शॉटिंग है यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोगों को दिखा रहा है, और पहले 470 ओम का शॉटिंग था, अभी हम इसको ऑन कर रहे हैं, पावर दे रहा हूँ मैं TV को,
ऑन करके हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। बिल्कुल लाइव आप लोगों के सामने ये वीडियो है। सबसे पहले हम AVDD का वोल्टेज जो है चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों 14 वोल्ट के करीब है, ये V1 का वोल्टेज है 32 वोल्ट के करीब है। तो ये वोल्टेज जो है पहले जनरेट नहीं हो रहे थे, अभी जनरेट हो गए हैं। अब हम पिक्चर भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लियर पिक्चर है, कोई भी लाइनिंग इसके अंदर हल्की फुल्की भी नहीं है। अगर आप इस तरीके से पैनल को रिपेयर करते हैं, अगर सिंगल कोफ पैनल आपके पास रिपेयर होने के लिए आता है, वन बाई वन इस तरीके से आपको चेक करना है। सिर्फ दो ट्रैक कट करके भी आप पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। ये सिंगल कोफ का पैनल जो है काफ़ी मार्केट में आया हुआ पैनल है। अभी ये टी सीरीज का सेट है, टी सीरीज के सेट को हमने नो पिक्चर से प्रॉब्लम से यहाँ पे रिपेयर किया है। अगर आपके पास किसी और ब्रांड में या लोकल टीवी में भी इस तरीके का पैनल आता है, बहुत इजीली आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ यहाँ पर लेके आते रहें। धन्यवाद दोस्तों।